हाँ तो गाय जी, ये वुर्थ कंपनी का केमिकल है जो कि 10,000 का आता है। प्योर इपोक्सी लिखा हुआ है गाय, देखिए, जो कि ग्राउटिंग का काम आता है। देखिए यहाँ पे ग्राउटिंग रीबारिंग हो रहा है केमिकल को मशीन में, जल में इसमें डाल के, और इसको एक ड्रिल किया जाता है गाय। जिस साइज का बार होता है उस साइज का ड्रिलिंग होता है उस डाई का, और उसके बाद जो केमिकल है डाया को पहले ऐसे अच्छे से साफ किया जाता है गाय, उसमें जो धूल होता है वो अच्छे से साफ किया जाता है कंप्रेसर के द्वारा। उसके बाद इसमें इस केमिकल को इंसर्ट किया जाता है। केमिकल डालने के बाद बार को इंसर्ट किया जाता है, और उसके बाद जितना हाँ जितने पे सेट करना होता है उतने पे सेट किया जाता है गैज। देखिए इस जैसे इस बार को सेट किया जा रहा है, इसमें पहले इसमें केमिकल को इंसर्ट कर दिया गया है। केमिकल को इंसर्ट करने के बाद हल्का हल्का ऊपर से इस पर लगाया जा रहा है गैज, ज़रूरत पड़ता है तो ये भी करना पड़ता है। उसके बाद बार को इंसर्ट कर दिया जाता है गैज। ये देखिए नया केमिकल इंसर्ट किया जा रहा है गन में, ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक की मदद से इस गन को ऑपरेट किया जाता है गैज। देखिए ये न्यू केमिकल वुर्थ का इंसर्ट कर दिया गया, और ये बार के ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाया जा रहा है, और बार को धीरे धीरे इंसर्ट कर दिया जा रहा है गैज, होल में ड्रिल में। ये हो गया गैज फिनिश। अब ऊपर जो एक होल है उसमें भी एक बार इंसर्ट किया जाएगा गैज। ये देखिए गैज, ड्रिलिंग का काम चल रहा है। ये एक्स्ट्रा जो कंक्रीट यहाँ पे हो गया है उसको ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिल कर दिया गया है गैज। और ये जो आपने अभी देखा, ये जो खाली एरिया है यहाँ पे एंट्री गेट और एक्सिट गेट होगा गैज, ये दोनों साइड से होगा गैज। एंट्री गेट एक्सिट साइड, इस गेट से और उस साइड से, दोनों साइड से होगा गैज। और अब आगे चलते हैं गैज, दिखाते हैं आगे। एक्सवेशन का काम चल रहा है गैज, रूफ स्लैब का काम इधर हो गया है गैज, जो जिस पे हम खड़े हैं गैज वो है रूफ स्लैब। सर या आगे भी दिखाएंगे गैज रूफ स्लैब का काम कैसे होता है। ये एक्सवेशन देखिए, यहाँ पे रूफ स्लैब होने के बाद उसके नीचे से मिट्टी को हटा दिया जाता है गैज एक्सवेशन के द्वारा। और ये देखिए गैज, ये है कानपुर सेंट्रल स्टेशन का गैज, यहाँ पे भी रूफ स्लैब का काम स्टार्ट हो चुका है। और आगे आगे देखते जाइए गैज। ओके बाय, सब्सक्राइब।